लेकिन मैं आंसू नहीं बहाता, मैं रोना रोने की मेरी आदत नहीं है जी। लेकिन मुझे लेकिन तब भी उतने संकटों के बावजूद भी, उतने जुल्म के बाद भी, हर प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए भी, मेरी तो मुसीबत ऐसी थी कि किसी मिनिस्टर से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। वो कहते थे भाई आप जानते हो मेरी तो दोस्ती है, मैं फोन पे बात कर लूंगा, लेकिन कहीं फोटो वोटो निकल गए, ये डर रहता था। यहां मंत्रियों का डर ऐसा था। अब खैर उनकी मुसीबत है, मैं समझ सकता हूं। मेरे यहां एक बार बहुत प्राकृतिक आपदा आई, मैंने उस समय प्रधानमंत्री जी को बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप आइए एक बार जरा देख लीजिए। उनका कार्यक्रम बना, फिर साहब एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी, शायद वहां से हुक्म आया, तो कोई हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण करे वो तो मैं समझ सकता हूं। साहब वो कार्यक्रम बदल करके साउथ में किस राज्य में गए तो मुझे याद नहीं रहा आज, और बोले हम हवाई जहाज से ऊपर से देख लेंगे, हम गुजरात में नहीं आएंगे। मैं सूरत पहुंचा हुआ था, वो आने वाले थे, मैं जानता हूं आखिर में क्या हुआ होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं साहब, प्राकृतिक आपदा में भी मैंने ऐसी मुसीबतों को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय भी मेरा मंत्र था, आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हम राज्यों का विकास से ही राष्ट्र का विकास कर पाएंगे, इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं सभापति जी, राज्य अगर एक कदम चलता है तो दो कदम चलने की ताकत देने के लिए बात है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और मैंने तो हमेशा कहा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है। और मैं ये राज्य में था तब भी इसी विचारों को लेकर के काम करता था, इसलिए चुपचाप सहता भी था। आदरणीय सभापति जी, कोविड एक उदाहरण है, इतना बड़ा संकट आया दुनिया का, ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की उस कालखंड में, एक एक बात का विचार विमर्श करके साथ लेकर के, और सभी राज्यों का सहयोग, एक टीम बन करके केंद्र और राज्य ने काम किया। दुनिया जिस मुसीबत को झेल नहीं पाई, हम सब ने मिलकर के, किसी एक को क्रेडिट मैं कभी नहीं दूंगा, सब ने मिलकर के इस देश को बचाने के लिए जो हो सकता है, राज्यों को भी उसकी क्रेडिट लेने का पूरा अधिकार, इस सोच में हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, G20 का आयोजन हम दिल्ली में कर सकते थे, हम दिल्ली में इन बड़े बड़े नेताओं के बीच रह करके सब कुछ क्या नहीं कर, पहले हुआ ही है, हमने ऐसा नहीं किया। हमने G20 का पूरा यश राज्यों को, दिल्ली में एक मीटिंग की तो राज्य में 200 एक एक राज्य को एक्सपोजर मिले दुनिया में, ये गलती से नहीं हुआ, योजना के तरीके से हुआ है। मेरे लिए किसकी सरकार है इसके आधार पर मैं देश नहीं चलाता, हम सब मिलकर के देश आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस भूमिका से काम किया है। आदरणीय सभापति, हमारे देश में विदेश के मेहमान आते थे तो मेरे आने के बाद आ रहे थे, थोड़ा पहले भी आते थे, आज विदेशी मेहमान आते हैं तो मेरा आग्रह रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए। मैं उनको लेते के जाता हूं राज्यों में, ताकि उनको पता चले कि मेरा देश यानी दिल्ली नहीं है, मेरा देश चेन्नई में भी है, मेरा देश बेंगलुरु में भी है, मेरा देश हैदराबाद में भी है, मेरा देश पुरी में भी है, भुवनेश्वर में भी है, मेरा देश कलकत्ता में भी है, मेरा देश गुवाहाटी में भी है।
पूरे दुनिया को मेरे देश के हर कोने का एक्सपोजर मिले, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। वहां की सरकार का सहयोग असहयोग इसके तराजू पर नहीं तोड़ते हैं। एक एक ईमानदारी से इस देश के भविष्य के लिए पूरे विश्व मेरे भारत को जाने, इसके लिए हम इस प्रयास करते हैं। और मैं अभी भी 26 जनवरी को इतना बड़ा काम रहता है, सबको मालूम है, उसके बाद भी मैं 25 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति को राजस्थान की गलियों में घुमा रहा था। दुनिया को पता चले कि मेरा राजस्थान ऐसा। आदरणीय सभापति जी, हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया जिसकी विश्व में एक मॉडल के रूप में चर्चा हो रही है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो सफलता है ना, उसमें 80% भूमिका मेरे राज्यों के सहयोग की है। राज्यों ने जो सहयोग किया है, उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की मेरी भावना को समझा है। आज उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 80% ताकत राज्यों से मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरों से मिल रही है। और जो राज्य वो राज्य की औसत में भी आखिरी पायदान पे खड़े थे, वो आज नेशनल एवरेज के साथ कंपटीशन करने लगे। ये डिस्ट्रिक्ट कभी पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट मानी जाती थी, ये सबका सहयोग से हो रहा है। और इसलिए हमारे कार्यक्रमों की रचना ही सबको साथ लेकर के चलने की है और मिलकर के देश के भविष्य को बनाने की है। आज देश का हर कोना, हर परिवार विकास के फल प्राप्त करे, ये हम सबका दायित्व है और हम उसी दिशा में जाना चाहते हैं। हम हर राज्य को उसका पूरा हक भी देना चाहते हैं। लेकिन मैं आज एक अहम मुद्दे पर मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहूंगा। आदरणीय सभापति जी, एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सबके लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा। पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है, कांटा पैर को लगता है। आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर देश 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 का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। शरीर जिस प्रकार से, अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से इंदौर भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आप मुझे